बड़ी खबर, प्राथमिक विद्यालय पेपरोनिया का विद्यालय अतिथि शिक्षक के भरोसे। पिछड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नादना के ग्राम पेपरोनिया में शासकीय प्राथमिक विद्यालय अतिथि शिक्षक के भरोसे छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि विद्यालय में एक शिक्षिका पिछले 1.5 वर्ष से विद्यालय में पदस्थ है और ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि वह भी विद्यालय नहीं आती है। कभी कभार आती है तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरती है और गाड़ी में ही रजिस्टर मांग कर सिग्नेचर कर रवाना हो जाती है। वहीं इस मौके पर सीसी विजय कबीर भी मिले, तभी उनसे बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैडम अभी प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी पर है, तब इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा कार्रवाई की गई, वह वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने का कहकर अपनी बात को समाप्त कर चले गए। तभी हमारे संवाददाता की नजर ब्लैक बोर्ड पर पड़ी तो ब्लैक बोर्ड पर 8/8/2024 पुरानी डेट डली हुई थी, जो की 1 महीने पुरानी डेट है। वही संवाददाता द्वारा संकुल पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनपुरा संकुल पहुंचे तो वहां संकुल प्रभारी से इस बारे में बात करना चाहिए तो वह संकुल पर भी नहीं मिली। जब विद्यालय के शिक्षिका से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मैडम की तबीयत खराब है, इस कारण विद्यालय नहीं आई है। संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। दादा आपका नाम क्या है? विजय कुमार तिवारी। कहाँ के हो आप? ग्राम पेपरोनिया। अच्छा ये बताइए, पेपरोनिया का ये विद्यालय है, इसमें 4 बच्चे मिले हैं, तो क्या ये इस स्कूल में ऐसे ही बच्चे आज ही कमाए कि हर दिन कमाते हैं? सर वो क्या है कि यहाँ मास्टर ही नहीं है, बच्चे क्या करेंगे यहाँ के? कितने लोगों का स्टाफ है? यहाँ 2 लोगों का है। कौन कौन पदस्थ है यहाँ? यहाँ कोई पदस्थ तो वो अभी मोनका सिंह है केवल, एक मास्टर तो पहले ही से नहीं है यहाँ, पहले 2 थे लेकिन एक ही मास्टर जो नियुक्ति हुई है, उनकी नई नियुक्ति हुई थी, ग्वालियर की हैं वो, तो वो करीब 1.5 साल हो गई उन्हें यहाँ नियुक्ति हुई थी उनकी, लेकिन वो एक दिन भी नहीं आई हैं अभी, एक भी बार भी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, तो जो आती 2-4 बार आई हैं तो गाड़ी में वहीं रजिस्टर मंगा के साइन करके वो चली जाती थी। अच्छा ये बताइए, तो इस तरीके का ये शिक्षकों की लापरवाही हो रही है, तो बच्चे कैसे क्या पढ़ाई करते हैं? वो बच्चे क्या, बच्चों का तो पूरा भविष्य खराब है सर। इस पर ग्रामीणों ने क्या एक्शन लिया? कोई ग्रामीणों ने कभी शिकायत की? हाँ शिकायत कई शिकायतें कर चुके। तो क्या एक्शन किया? कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मास्टर चाहिए हमें 2 यहाँ, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है हमारे गांव। अभी हमारी इनकी CAC से बात हुई है तो बता रहे हैं कि मैडम छुट्टी पे गई है, क्या यह बात सही है या मतलब ये कोई बहाना टाल? नहीं तो रेगुलर छुट्टी थोड़ी होती है सर, जैसे उनका जैसे वो डिलीवरी पीरियड था तो 6 माह की छुट्टी हम मानते हैं कि होती है ये, लेकिन रेगुलर छुट्टी थोड़ी होती है कि छुट्टी छुट्टी केवल, या 1.5 साल से रेगुलर छुट्टी दी जा रही है इनको। चलो ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि मैडम इतनी लापरवाही कर रही है, किसका संरक्षण हो सकता है? संरक्षण क्या रहा है, संकुल वालों का है पूरा। चलो हाँ सर, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। आपका पद? CAC। सर आप यहाँ संकुल पे यहाँ आए हो आप इस पर स्कूल पे? हाँ। यहाँ पर कितने बच्चों की मौजूदगी है? अभी तो 4 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। और इस पर पूरे बच्चे कितने हैं? 31 बच्चे दर्ज हैं। इस पर जो अतिथि शिक्षक महोदय के मुताबिक यहाँ पर जो आपके उपस्थित शिक्षक हैं वो यहाँ पर कब से उपस्थित नहीं हुए? वो CCL अवकाश पर हैं, संकुल प्राचार्य महोदय ने उनको CCL। यहाँ पर ग्रामवासियों का आरोप है जी, जो यहाँ के ग्रामीण मुख्य हैं उनका आरोप है कि वो 1.5 साल से नहीं आई और आने के बाद वो सिर्फ कार में बैठ के ही वहाँ रजिस्टर मंगा करके उपस्थिति दर्ज कराती हैं, क्या आपने इस चीज़ की जानकारी? ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा तो आपने इस स्कूल का निरीक्षण आप कर रहे हैं, इस निरीक्षण करने के उपरांत आपने इसमें कुछ कमियां पाई गई? जो भी कमियां पाई जाएंगी उसका प्रतिवेदन बना के हम BRC महोदय को लिखित में अभी तक दिया, BRC महोदय को देते हैं तो आपके